भाई ग्राउंड पर सांप भी देखने को मिलेगा, मैंने सोचा नहीं था। तो आज शाम अपने सारे काम खत्म करके जैसे मैं ग्राउंड पहुंचता हूँ, मैं देखता हूँ पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। शायद बंदे लेट आएंगे इसी वजह से जल्दी नहीं आए, क्या मतलब हर कोई मेरी तरह वेला नहीं है। तो तुम्हारा भाई अकेला ही प्रैक्टिस करने लग जाता। तो 4-5 घंटे की अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के बाद जब ग्राउंड में कोई आता नहीं है तो तुम्हारा भाई अपने जेब से जड़ी बूटी निकाल कर उसको खाने की प्रक्रिया में लग जाता है। वैसे जो बंदा इसको डेली खाता ना सिर्फ वही बता सकता है कि इसको मिलाकर खाने में क्या मजा ही आता है। यार इसको खाकर मैं हटाई होता हूँ कि मेरी अचानक से नजर जाती है इस पड़े हुए सांप पर। हाँ, जहाँ पे नाग देवता बैठे हुए हैं ना उनसे मेरी दूरी सिर्फ एक हाथ की थी। खैर, जिसे मैं इतनी देर से सांप समझ रहा होता हूँ वो एक्चुअल में दुमई निकलती है, जिसे इंग्लिश में रेड सैंड बोया स्नेक भी बोला जाता है। खैर, इतनी देर में वाले भैया आकर उसको कट्टे में डालकर हम चल देते इसको छोड़ने के लिए, और फिर जंगल में आकर उसको सही सलामत छोड़ देते।